तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ मीशो ऐप से मंगाए हुए स्पोर्ट्स शूज़ का, और मैं आपको बताऊंगा जो मैंने शूज़ मंगाए इनकी क्वालिटी कैसी है, प्राइस क्या है, और साथ ही साथ जब भी आप मीशो ऐप से कोई शूज़ एक्सेट्रा बाय करते हैं तो आपको कैसे अपना साइज़ है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो यार ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस जो मीशो ऐप का पैकेज है कुछ आपके सामने ऐसा आता है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका नाम वगैरह है वो मिल जाता है, साथ में आपको ये पॉलिथीन पैकेजिंग मिलती है। तो सबसे पहले जो हमारा शू है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई ये आपके सामने कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर आता है, और इसे हम एक बार बाहर निकालेंगे जब, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यार यहाँ पे इनका कुछ ऐसा बॉक्स आता है जिसके ऊपर फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, और ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, पर चलता है कोई बात नहीं। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो शू आएंगे वो कुछ ऐसे आते हैं। तो गाइज आपके सामने जो शू है वो आ चुके हैं, और ये देखने में कुछ ऐसे लगते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो भाई मुझे तो अभी तक काफ़ी सही लगा, यानी कि फर्स्ट लुक इनका काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। तो यार उसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलते हैं, यानी कि इस शू के अंदर आपको काफ़ी सारे कलर्स मिलते हैं, जैसे कि ब्लू है, वाइट है, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और ऐसे ही इसके फ्रंट साइड है, ये इसकी साइड है, और इसके अगर बॉटम साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको कुछ ऐसा टेक्सचर या ऐसे डिज़ाइनिंग मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यार देखने में तो काफ़ी सही लग रहे हैं, ओवरऑल भी अभी तक मुझे काफ़ी सही लगा है। ये इसका आप टेक्सचर वगैरह देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। तो यार ये चीज़ें अभी तक तो मुझे सही लगी है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी पैडिंग की, तो यार जो इसका अंदर का सोल है वो थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, यानी कि थोड़ा कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन एक बार मैं इसे पहन के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि भाई ये पहनने के बाद कैसा है, जिससे कि आपको एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये शू पहन के दिखा देता हूं। गाइज ये शू मैंने आपको पहन के भी दिखा दिया है, तो यार अब मैं कुछ बातें जो आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि भाई जो ये शू है ना, इसके अंदर बहुत ही गंदी फेविकोल की जो स्मेल है वो आती है। तो भाई जब भी आप इसे मतलब ओपन करें या जब भी आप पहनेंगे ना, तो भाई आपके कम से कम एक या दो घंटे तक तो दिमाग में रहने वाली है। तो यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही लगी है। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके मटेरियल की, यानी कि जो इसका मटेरियल है वो है सिंथेटिक लेदर का, और इसके अंदर का जो सोल है यानी कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो है ईवा मटेरियल। तो यार ये काफ़ी मुझे ठीक लगा, यानी कि इतना कुछ अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं बोलूँ कंफर्टेबल है। मतलब ज़्यादा देर के लिए आप इसे नहीं पहन सकते, अगर आप सोच रहे भाई पूरा दिन पहने तो मुझे नहीं लगता शायद आप पहन पाएंगे, बिकॉज बहुत ही हार्ड है इसके अंदर का सोल। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको मतलब इसके कम से कम 3 से 4 कलर मिल जाते हैं, अलग अलग कलर है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है, ये सारे कलर्स में आपको मिल जाते हैं। तो आपको जो भी पसंद है आप वो बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इसका प्राइस क्या था, तो भाई सबसे बड़ी बात आती है इसका प्राइस कितना था। तो यार ये मुझे जो शू है ये पड़े थे 636 रुपये के, यानी कि काफ़ी सही थे। मतलब 636 रुपये में आपको ऐसा मिल जाता है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंपनी के शूज़ पर ट्राई करें, बिकॉज 600 से स्टार्ट हो जाते हैं, 600 के आसपास आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट पहनना है तो भाई आप ट्राई कर सकते हैं, आपको कम प्राइस के अंदर ऐसा थोड़ा कलर ब्लॉक्ड वाला जो आपका शू है वो मिल जाता है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने ये शू है वो कितने साइज़ का मंगाया है। तो यार ये मैंने मंगाया है 8 IND। तो भाई मैंने 8 IND यानी कि इंडियन साइज़ के हिसाब से ये शू ऑर्डर किया, क्योंकि वहाँ पे आपको IND मिलता है, आपको UK वगैरह नहीं लिखा मिलता, लेकिन आपको वहाँ पे सेम ही मिलता है, यानी कि IND और UK सेम ही होता है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि मीशो ऐप के ऊपर आपको कैसे अपना जो शू साइज़ है वो सिलेक्ट करना है जब भी आप ऑर्डर करने जा रहे हो। तो देखो यार मीशो ऐप के ऊपर आपको सबसे पहले कहूँ तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर साइज चार्ट दिया होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम होता है नहीं भी दिया होता। तो आपको क्या करना है, मेरा जो साइज है यानी कि मेरे फीट का साइज है वो आया था 26.5, तो मैंने 8 UK ऑर्डर किया था। लेकिन अगर आपका उससे कम आता है तो आप एक जो साइज है वो कम कर लीजिए, आप 7 UK कर लीजिए। अगर आपका आता है 25, अगर आपका आता है 24, तो आप कर लीजिए 6 UK यानी कि 6 IND, और UK एंड IND जो है वो सेम होता है, तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे आप अपना जो
साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको साइज चार्ट नहीं दिया होता, जिससे कि बहुत सारी कन्फ्यूजन है वो होती है। तो इसलिए मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी एक अंदाजे से मंगाया था और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। तो यार ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कीजिए, आपका साइज छोटा बड़ा आता है तो भाई आप एक्सचेंज कर सकते हैं, तो लेकिन आपको एक बार पता लग जाएगा कि भाई आपका साइज है वो क्या आता है। तो यार बस आज की वीडियो में इतना था, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट जरूर करना और मैं उसके ऊपर अपनी जो वीडियोस है वो लेके आता रहूंगा। तो यार बस आज की वीडियो में इतना था, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।